अब खबर दिल्ली से सटे गुड़गांव से, जहां एक महिला का ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान कर देता है। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराने के बाद बहू अपने सास ससुर और अपने पति पर भी हमला कर देती है। घटना 23 जुलाई की है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमले की पूरी तस्वीर कैद हो गई। सास ससुर पर बहू के हमले की तस्वीर। परिवार वालों के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरुग्राम की एक बहू बेरहम हो गई थी, और वो भी सुबह सुबह जब नाश्ते पानी का वक्त हो रहा था। ना वो अपने सास ससुर को छोड़ रही थी, ना अपने पति को। कुर्सी, पत्थर, थप्पड़, अपनी पूरी शक्ति से अपने ससुराल पर टूट पड़ी थी। बहू की भाषा आपको सुना नहीं सकते, सीसीटीवी का वीडियो है, लेकिन तस्वीरों के जो भाव हैं, वो किसी को भी हैरान और परेशान कर रहे हैं। 23 जुलाई की सुबह 9 बजे का ये वीडियो है। चंद्रकला नाम की ये महिला अपने ससुराल आती है और घर के बाहर बैठे सास ससुर पर हमला कर देती है। ससुर रोकता रहा बहू को, लेकिन बहू सास की पिटाई करना चाहती थी। पैर पकड़ता रहा, लेकिन बहू घर के अंदर घुस गई। पति ने खींचकर बाहर निकाला तो कभी पत्थर लेकर मारने दौड़ जाती, तो कभी कुर्सी लेकर। पत्नी के हर दांव को चित करने में लगा था पति, लेकिन बहू तो कपड़े उतारने तक पर उतारू हो गई थी। मैं घर के दरवाजे पर बैठा था, मेरी मिसेज भी बैठी थी पोती को लिए। वो मेरे लड़के की मिसेज चंद्रकांता आई, और जो कि अलग दूसरी कॉलोनी में किराए पर रहती है, और मुझे धक्का मारा, और धक्का मार के मैं गिर गया, फिर अंदर घुस गई, फिर अंदर जाके मेरी मिसेज को धक्का मारा। गुरुग्राम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है सोहना गांव। उसी गांव में रहता था चार लोगों का एक परिवार, माँ बाप, बेटा और बहू। लेकिन बहू अब सास ससुर के लिए जल्लाद से भी जालिम हो गई। चंद्रकला की शादी 18 साल पहले अमर से हुई थी। पति पत्नी के बीच रोज लड़ाई होती थी। पत्नी ससुराल छोड़कर अपने घर आ गई। 2012 में चंद्रकला ने दहेज प्रताड़ना का केस किया, लेकिन चंद्रकला के माँ बाप ही गवाही देने नहीं पहुंचे। अब फैसला पीड़ित परिवार के पक्ष में आने वाला है। मेरे बेटे को भी मारा, और फिर वो हमने 100 नंबर पर फोन किया, पीसीआर आई, फिर पीसीआर में ये कहते हुए भगी कि आने के बाद कि मैं तुम्हारे बेटे को रेप के केस में फंसाऊंगी। बाद हम चौकी आए, हमने अप्लीकेशन दी चौकी में, शिकायत करी उसकी, तो 2 दिन तक कुछ सुनाई नहीं हुई हमारी। ऐसा नहीं कि चंद्रकला पहली बार सास ससुर की पिटाई करने पहुंची थी। कई बार हमले के बाद ही अमन के परिवार वालों ने सीसीटीवी लगाने का फैसला किया था, क्योंकि पुलिस का भी पीड़ित परिवार वालों की बातों पर यकीन थोड़ा कच्चा था। आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके घर पर आकर के उसके पिताजी, उसकी माँ और खुद के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिस संबंध में हमने जो मुकदमा दर्ज कर दिया, आगे जांच चल रही है। पुलिस की टेबल पर इस बार पिटाई का वीडियो भी है। पुलिस भी जांच के बाद ये भरोसा दे रही है कि इस बार चंद्रकला सलाखों के पीछे होगी। सालों से ये लोग यही सोचते रहे किससे शिकायत करें और किस पर करें शर्म, लेकिन रिश्तों के तेजाबी भंवर में फंस कर रह गया था यह परिवार। न पति को पत्नी मिल पाई, न सास ससुर को बहू। सुनील कुमार, इंडिया टीवी, गुरुग्राम।